नमस्कार, मैं अजय दी वाधवा। आप सभी रेडियो खांची सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्ते। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व एक अपना पॉडकास्ट इसी रेडियो खांची के प्रोग्राम में दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि शायद हम भारतीयों में शिष्टाचार की कभी कभी कमी पाई जाती है। हमें जो शिष्टाचार सामाजिक जीवन में रखना चाहिए, अन्य लोगों के साथ व्यवहार में जो शिष्टाचार दिखाना चाहिए, वो कभी कभी हम नहीं दिखा पाते हैं। मेरे इस पॉडकास्ट के बाद मेरे सामने एक छोटी सी घटना घटी। दो दिन पहले मेरे ऑफिस में मेरा कंप्यूटर में कुछ समस्या आ गई थी, तो मैंने अपने ऑफिस के जो सिस्टम डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनको रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। आधे घंटे में उनका इंजीनियर आया और करीब एक घंटा काम करने के बाद उसने मेरे सिस्टम को दुरुस्त कर दिया। जब उसने दुरुस्त किया तो उसने मुझे कहा कि सर, आपका सिस्टम अब काम कर रहा, आप चेक कर लीजिए, फिर हम जाएंगे। तो जब मैं अपने सिस्टम को चेक कर रहा था, उसमें मेरे दूसरे विभाग के भी एक दो अधिकारी मेरे पास बैठे हुए थे। तो मैंने जब अपना सिस्टम चेक किया तो मैंने पाया कि हाँ, सिस्टम काम कर रहा है। तो मैंने उस इंजीनियर को कहा कि थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने समय दिया और आपने मेरा कंप्यूटर सिस्टम चालू कर दिया, नहीं तो मुझे तकलीफ हो रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे मेरा थैंक यू सुनकर खुश होता, उसके पहले ही मेरे साथ एक इंजीनियर बैठे हुए थे दूसरे डिपार्टमेंट के, वो मुझे कहते हैं वाधवा साहब, थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, ये तो इसकी ड्यूटी है, इसको तो सैलरी इसलिए मिलती है कि हमारे सिस्टम खराब हो, अगर हमारे कंप्यूटर खराब हो तो अगर ठीक करेगा, ये अपना ड्यूटी कर रहा था, थैंक यू की क्या बात है। जो व्यक्ति जिसे मैंने थैंक यू कहा, वो मुझे मेरे धन्यवाद का जवाब देने जा ही रहा था कि ये बात सुनकर चुप रह गया, थोड़ा सन रह गया। देखिए, मेरे साथी ने बात तो सही की थी पर मेरे विचार से गलत हो गई। उनका क्या मानना था कि जिस व्यक्ति ने आपका कंप्यूटर ठीक किया उसकी ड्यूटी थी, तो आपको थैंक यू नहीं कहना चाहिए। पर मेरा मानना है कि ठीक है, उसकी ड्यूटी थी, पर हम सरकारी विभाग में काम करते हैं। मैं 3 दिन तक कंप्लेन करता रहता, तब भी वो बोलता कि सर आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, व्यस्त हूँ, पर वो तुरंत आया, उसने ठीक किया, लग के ठीक किया। तो हमें कोई छोटा सा भी हेल्प कर दे, काम कर दे, तो हमें नेचुरली थैंक यू बोलना चाहिए। और तब मुझे समझ में आया कि मैंने जो पॉडकास्ट किया शिष्टाचार पर, वो जो मैंने इस समस्या के बारे में चर्चा की थी, वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा है। हम भारतीय शिष्टाचार में पता नहीं क्यों पीछे रह जाते हैं। आप, मैंने कहा था कि आप कहीं भी किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाइए तो हम देखेंगे, अगर आप किसी का छोटा सा भी काम करते हैं तो लोग आपको थैंक यू बोलते हैं। हमारे यहाँ प्रायः इसका प्रचलन नहीं है। अगर मेरा ऑफिस में या कहीं मैं होटल में जाता हूँ, मेरा कार्य करने वाला व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा नीचे स्तर का है, तो मैं उसे टिप भले दे दूं पर थैंक यू नहीं बोलूंगा। मैं होटल जाऊंगा, कोई मेरा लगेज, मेरा सामान उठा के ऊपर रूम में ले गया वेटर, या मेरे रूम में रूम सर्विस देने वाला आया, उसने मुझे होटल रूम में खाना दिया, या हम लोग स्टेशन जाते हैं वहां कुली हमारा सामान उठाता है, तो जब वो प्लेटफॉर्म से सामान उठा के ट्रेन में रख देता है तो हम पैसा उसे दे देते हैं। हम पैसे के लिए जिग-जिग कर सकते हैं, उससे पैसा कम करने के लिए झगड़ा कर सकते हैं, पर वो आप जो पैसा हम देते हैं उस पर अगर काम कर दे और हमारे सामान को अच्छे से उठा के हमारी बर्थ के नीचे रख दे, उसके लिए हम उसे थैंक यू नहीं बोलते। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ, हमारे ऑफिस में भी ये देखा जाता है, अगर पियून को हम बोलते हैं पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, बेचारा ला के पिला देता है चपरासी, तो उसे थैंक यू नहीं बोलते, हम सोचते हैं उसकी ड्यूटी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये शिष्टाचार की कमी है। हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति हमारा काम करे, हम उसे एक बार मुंह से धन्यवाद तो बोल ही सकते हैं, अपने चपरासी को या रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कुली को, या होटल में हमें जब काम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें सर्व करने वाले वेटर को। इससे क्या होगा, उसका मनोबल बढ़ता है, उसको अच्छा लगेगा और वो आपको और अच्छी सेवा दे पाएगा। हम जो टिप देते हैं वो तो ठीक है, उससे उसको खुशी तो मिलती होगी, पर हम थैंक यू बोलेंगे उससे ज्यादा खुशी उसे मिलेगी। आपको मुन्ना भाई MBBS का वो सीन याद होगा, जिसे वो कर्मचारी झाड़ू लगाता है, गीले कपड़े से पोछा लगाता है और लोग पार कर जाते हैं जूतों से, तो उसका फर्श फिर गंदा हो जाता है। तो मुन्ना भाई जो संजय दत्त है, वो फर्श को पार करते हैं, फर्श गंदा हो जाता है, तो वो जो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति था वो गुस्सा करता है, तो मुन्ना भाई उसके पास जाते हैं, उसे गले मिलकर कहते हैं कि नहीं भाई, अगर आप अस्पताल को सफाई नहीं करेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो हम लोग इसमें काम कैसे कर पाएंगे। आप हैं जो इस जगह में हमें रहने के लिए मजबूर करते हैं, आप जगह को साफ करते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति गुस्सा करना छोड़ देता है, क्योंकि पहली बार उस स्वीपर को लगा कि किसी ने उसके काम को सराहा, उसे धन्यवाद कहा। तो वो पिक्चर का जो सीन है वो हमारे जीवन पर भी लागू हो। तो आइए हम भी, जो हमारा कोई व्यक्ति छोटा समय मदद कर दे, छोटी समय कोई सहायता दे, हम उसे उसके प्रति आभार जरूर व्यक्त करें, उसे धन्यवाद या थैंक यू जरूर बोले। नमस्कार।